हेलो गाइस दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बजाज की पल्सर NS200 के नेक्स्ट जनरेशन मॉडल के बारे में। इंडियन टू व्हीलर मार्केट में बजाज की पल्सर NS200 काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और डिमांडिंग एक नेकेड स्ट्रीट फाइटर बाइक रही है, काफ़ी अच्छी बाइक है। एंड अब बात करें नेक्स्ट जनरेशन मॉडल के बारे में, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, बजाज ने NS160 और NS200 को अपग्रेड कर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर लाइक ब्राज़ील के अंदर इन दोनों ही बाइक को बजाज डोमिनार 200, बजाज डोमिनार 160 के नाम से लॉन्च कर दिया है, जिसके अंदर आपको काफ़ी अच्छे कॉस्मेटिक चेंजेस देखने को मिलते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि इंडियन टू व्हीलर मार्केट में आपको बजाज NS200 नेक्स्ट जनरेशन मॉडल के नाम से देखने को मिलेगी, उसके अंदर आपको क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। सेम आपको ब्राज़ील वाला मॉडल देखने को मिलेगा, या फिर आपको बाइक के अंदर कुछ इंडियन टू व्हीलर मार्केट के अंदर कॉस्मेटिक कुछ डिफरेंट चेंज देखने को मिलेंगे उस बाइक के अकॉर्डिंग। दोस्तों बजाज की पल्सर NS200 नेक्स्ट जनरेशन मॉडल के अंदर आपको इंडियन टू व्हीलर मार्केट में क्या क्या अपग्रेड देखने को मिलेगा, इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताने वाला हूं। आप वीडियो लास्ट तक देख लेना अगर आप बजाज की पल्सर NS200 नेक्स्ट जनरेशन मॉडल का वेट कर रहे हैं। दोस्तों आपको सबसे पहला चेंज बाइक के अंदर देखने को मिलेगा अप साइड डाउन फ्रंट फोक्स, जो कि आपको ब्राज़ील के अंदर सिल्वर कलर के अंदर ऑफर किए गए हैं, लेकिन इंडियन टू व्हीलर मार्केट के अंदर आपको सिल्वर कलर के देखने को मिलेंगे या फिर गोल्डन कलर के देखने को मिलेंगे, ये अभी कोई कंफर्म नहीं है। दोस्तों बाइक का लुक जो है काफ़ी ज़्यादा एक नेकेड स्पोर्ट की एक बल्की बाइक लगती है देखने में, तो आपको अपसाइड डाउन फ्रंट फोक देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से बाइक का लुक जो है काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव एंड बल्की आपको फ्रंट से देखने को मिलेगा। ओके दोस्तों, बाइक के अंदर आपको हेडलाइट में एंड टेल लाइट में कुछ ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज बाइक का लुक डिज़ाइन ग्राफिक्स आपको ओल्ड मॉडल से ही इंस्पायर देखने को मिलेगा। जैसे कि आप ऑफिशियल वीडियो के अंदर देख पा रहे हैं, ये बाइक दोनों ही इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ब्राज़ील के अंदर लॉन्च की गई हैं, जिनके अंदर हमें लुक थोड़ा सा हैवी देखने को मिल रहा है पहले से। इसी वजह से मैं आपको बता दूं, बाइक के अंदर आपको काफ़ी शार्प फिनिशिंग के साथ ग्रैबरेल देखने को मिलेंगी, लुक डिज़ाइन ग्राफिक्स आपको काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलेंगे। दोस्तों बाइक के अंदर आपको ऑल LED सेटअप देखने को मिलेगा लाइटिंग में, लाइक फ्रंट में आपको LED लाइट देखने को मिलेगी, हेडलाइट मॉन्स्टर टाइप की जो है, वहीं बाइक के अंदर आपको रियर LED टेल लाइट देखने को मिलेगी काफ़ी यूनिक टाइप की, वहीं शार्प फिनिशिंग के साथ आपको काफ़ी कॉम्पैक्ट से छोटे से आपको इंडिकेटर देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपको वो भी LED देखने को मिलेंगे। ओवरऑल बाइक के अंदर आपको सबसे पहला चेंज अपसाइड डाउन फ्रंट फोक देखने को मिलेंगे, सेकंड ऑल LED लाइटिंग सेटअप देखने को मिलेगा, बाइक के अंदर आपको डिजिटल टाइप का प्लस एनालॉग कंसोल देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको सारे बेसिक फीचर देखने को मिलेंगे। साथ ही आपको ऑफर की जा सकती है इस बाइक के अंदर USB चार्जिंग पोर्ट, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। साथ ही बाइक के अंदर आपको न्यूली डिज़ाइन ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे, एंड बाइक के अंदर आपको न्यू स्टिकरिंग देखने को मिलेगी ओल्ड मॉडल के अकॉर्डिंग, इसमें आपको लाइक न्यूली डिज़ाइन साइड पैनल देखने को मिलेंगे। बाइक के अंदर आपको कनेक्टेड फीचर भी ऑफर किए जा सकते हैं इंडियन टू व्हीलर मार्केट के अंदर, जो आपको मेजर चेंज देखने को मिलते हैं मैंने आपको सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं। ओवरऑल बाइक के अंदर आपको अपसाइड डाउन फ्रंट फोक देखने को मिलेंगे, न्यू डिजिटल टाइप का प्लस एनालॉग कंसोल देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको कनेक्टेड फीचर भी ऑफर किए जा सकते हैं। बाइक के अंदर आपको न्यूली डिज़ाइन लुक ग्राफिक्स एंड स्टिकरिंग, साथ ही साइड पैनल भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेंगे अकॉर्डिंग टू करंट मॉडल। ओके वहीं बाइक का लुक जो है थोड़ा सा आपको हैवी देखने को मिल ही जाएगा, बिकॉज फ्रंट में आपको सस्पेंशन जो देखने को मिल जाते हैं, इसकी मेन हाईलाइट जो उस बार सस्पेंशन है। ओके ऑफर किए जाएंगे आपको इंडियन टू व्हीलर मार्केट के अंदर। दोस्तों बात करें कुछ अदर फीचर्स के बारे में, तो लाइक बाइक के अंदर आपको डायमेंशंस वही देखने को मिलेंगे, लाइक आपको 168mm के आसपास आपको ग्राउंड क्लियरेंस ही ऑफर किया जाएगा। बाइक के अंदर आपको 805mm की सीट हाइट देखने को मिलेगी, 156kg का कर्व वेट एंड 13 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। साथ ही बाइक के अंदर आपको काफ़ी कंफर्ट फीचर देखने को मिलेंगे, बाइक के फ्यूल टैंक पे आपको पैड देखने को मिल जाएंगे। एंड बात करें ब्रेक एंड टायर के बारे में, तो दोस्तों बाइक के अंदर आपको वही सेम ब्रेक एंड टायर देखने को मिलेंगे, और आपको ब्रेक में आपको डुअल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, बाकी फ्रंट में आपको 300mm की पेटल डिस्क की देखने को मिलेंगे, एंड रियर में आपको 230mm के पेटल डिस्क की ऑफर किए जाएंगे। फ्रंट टायर आपको 100x80 का, रियर टायर आपको 130x70 का 10-spoke alloy व्हील के साथ ट्यूबलेस टायर आपको देखने को मिलेंगे। बाइक के अंदर आपको और कोई भी कॉस्मेटिक चेंज देखने को नहीं मिलेगा, बाकी सारे फीचर मैंने इस बाइक के आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, कोई डाउट रहेगा हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड दोस्तों बात करते हैं बाइक की प्राइस के बारे में, इंडियन टू व्हीलर मार्केट के अंदर बजाज पल्सर NS200 के करंट प्राइस आपको देखने को मिलते हैं 141,000 के आसपास। अब न्यू मॉडल आएगा तो उस बाइक के अंदर आपको काफ़ी अच्छे न्यू मेजर चेंज देखने को मिलेंगे, काफ़ी प्रीमियम फीचर ऑफर किए जा रहे हैं। बाइक के अंदर आपको इंजन रिफाइनमेंट भी अच्छी देखने को मिलेगी अगर न्यू मॉडल आ रहे तो। ओके तो उसकी वजह से बाइक के प्राइस आपको 8,000 to 10,000 इंक्रीज देखने को मिलेंगे।
बजाज पल्सर NS 200 के। ओके दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना। आप हमारे चैनल पर नया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट सेक्शन में ये जरूर बता देना कि बजाज पल्सर NS 200 नेक्स्ट जनरेशन मॉडल का वेट कौन कौन कर रहा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली ऐसी न्यू इंटरेस्टिंग और अपडेटेड वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।